नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं, बादलों में पानी कैसे आता है। जैसे बादल जो है उसमें पानी कहां से आता है, कैसे आ जाता है पानी। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं बादलों में पानी कैसे आता है। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है। यानी कि सूर्य की गर्मी से जो समुद्र का पानी होता है, झील का पानी होता है, तालाब का पानी होता है, नदी का पानी होता है, वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस वाष्प से बादल बनते हैं। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले वाष्प के कण पानी की बूंद बन जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कमरे की हवा में रहने वाली वाष्प फ्रिज से निकले यानी कि फ्रिज से निकाले गए ठंडे के कैन से टकराकर पानी की बूंद बन जाती है। आप देखते हैं जब फ्रिज से निकाले गए ठंडे के कैन से टकराकर पानी की बूंद बन जाती है। ठीक उसी तरह से समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है और इस वाष्प से बादल बनते हैं। और ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले वाष्प के कण पानी की बूंद बन जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कमरे की हवा में रहने वाली वाष्प फ्रिज से निकलकर ठंडे के कैन से टकराकर पानी की बूंद बन जाती है। तो दोस्तों आपको हम बताएं कि बादलों में पानी कैसे आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।